बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस सिलेबस मैथ्स 9 मैट्रिक चैप्टर नंबर 2 सिंटेक्स बुक बोर्ड एक्सरसाइज 2.7 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं हम। कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 इसमें हम निमटाएंगे, बाकी पार्ट 4 में 13 और 14 को करेंगे। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आगे बढ़ने से पहले फिर वही, सब्सक्राइब करने की नहीं कह रहा, टेंशन नहीं, सब्सक्राइब करने की नहीं कह रहा। इस वीडियो के नीचे मेरी पिक्चर नज़र आ रही है, उस पर क्लिक कीजिए, पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, चारों प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है। रिड्यूस्ड सिलेबस वाली केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स 9 मैट्रिक के लिए, उसमें वीडियोज़ मौजूद हैं, सारी की सारी वो वीडियोज़ हैं जो कि आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक है। मैंने एक बात नोट की है, बच्चे जो है वो रिड्यूस्ड सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं उनको छोड़ के अननेसेसरी चीज़ों की तरफ भी अपना टाइम किल कर रहे हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि केमिस्ट्री की सबसे पहले आप लोगों को बुक के क्वेश्चंस मार्क करा दूँ कि भाई ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक है, अननेसेसरी अपना टाइम किल मत कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वन अपॉन थ्री होल पावर है इसके ऊपर, होल पावर तो खैर नहीं है, फ्रैक्शन में है। सवाल मैथ्स का जब भी लिखें पूरी एहतियात से लिखें, अगर आपने सवाल लिखने में ही गड़बड़ कर दी तो फिर बाकी आप सर पटकते रहें, आपका जवाब कभी भी ठीक नहीं आएगा। इसलिए मैं भी एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। 8 होल पावर 64 2, ठीक है, क्या हल निकलेगा इसका? इसका हल 125 8 64, एलसीएम लेते हैं। पहले 125 का 5 से जा रहा है, 525 5 5 और 5 1, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 8 2 4 2 2 2 1 और उसके बाद 64, 6 2 आ जाएंगे इसके अंदर। पहले ही बना देता हूँ, 2 2 2 2 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 8 4 2 1, कितने हो गए भाई? 3 ये रहे, 3 ये रहे, यहाँ कितने 2 हैं? 2, तो ये क्यूब लगा दिया मैंने, यहाँ पर कितने 5 हैं? 3, तो 5 के ऊपर भी क्यूब लगा दिया, और यहाँ पर क्यूब एक ये मिल गया 2 के ऊपर, और ये दूसरा क्यूब मिल गया, ठीक है, ये टेंशन ख़त्म। अब इसमें चलते हैं, यहाँ क्या है, 125 की जगह पर 5 के ऊपर 3 की पावर, ठीक है, होल पावर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 8, इसमें हमारे पास 2 है, और 2 के ऊपर 3 की पावर, अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो नीचे क्या है, 64 में 2 के ऊपर बराबर कर लेते हैं, यहाँ ज़रूरत है, 6 की पावर आ जाएगी, बाहर कितनी पावर है 2 और 1/3 की पावर, ठीक हो गया भाई, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। अब पावर से ऊपर पावर 5 3 2 6 की पावर यहाँ आ गई, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर अभी होल पावर को बरकरार रखते हैं, गड़बड़ हो जाएगी वरना, 1/3 की पावर को लेके चलते हैं इसी तरह, 2 के ऊपर 3 की पावर इसी तरह रहने दीजिए, 6 2 पावर से ऊपर पावर है मल्टीप्लाई हो के ये 12 हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसको देखते हैं, 1/3 की पावर सबके ऊपर है, ठीक है, जितने ज़्यादा आप स्टेप्स करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। अच्छा अब ये 5 के ऊपर 6/3 और 2 के ऊपर 3/3 और 12 के ऊपर 12/3 कट रहा है, 3 1 3 3 2 6, 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 4 12, ये आपके ऊपर हो गया 5² मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 के ऊपर 4 की पावर, ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2
और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 5 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 50, ठीक है भाई। और ये 16 बन गया, कट रहा है 2 के टेबल से, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 अपॉन 8 जो है वो आपका आंसर आ चुका है। लेकिन शायद बुक में ऐसा नहीं है, बुक में क्या दिया हुआ है हमारे पास, होल में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, बुक में दिया हुआ है 2 होल 1/8, तो 2 होल 1/8 बना देते हैं इसको। ये लीजिए 25 और ये 8, 8 3 जल 24, 1 आ गया, ये हो गया 3 होल 1/8। आपके पास बुक में जो जवाब है वो 3 होल 1/8 है, बिल्कुल ये हमारे पास भी 3 होल 1/8 आ गया। मिटा दूँ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई, ये भी एक बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है। ये बड़ी सी लाइन, 4 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर क्या है नीचे 10, और उसके बाद 25। दिल थाम के बैठिएगा। अच्छा, कौन कौन सी पावर्स लग रही हैं इसके ऊपर, ये हो गया 4 एम, 4 एम माइनस 2 एन प्लस 1, 9 के ऊपर एन माइनस 2 एम, और 10 के ऊपर 2 एम, और 25 के ऊपर एम माइनस एन, ठीक है भाई, कोई गलती नहीं हुई। 4 एम, 4 एम माइनस 2 एन प्लस 1, और एन माइनस 2 एम, और 2 एम, और m माइनस n, ठीक है। क्या करेंगे, LCM ले लीजिए, 5 का LCM निकलेगा यहाँ पर, यहाँ कर लेता हूँ। पहले 4 का क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, फिर किसका आएगा 15 का, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, फिर किसका आएगा 9 का, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फिर इसका आएगा 10 का, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, और उसके बाद 25 का, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब इसको देखें पहले क्या बन रहा है, 2 के ऊपर स्क्वायर, यहाँ 3 और 5 वैसे ही मिल गए, यहाँ पर क्या मिलेगा 3 के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पर 2 और 5 वैसे ही मिल गए, यहाँ 5 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है भाई। बस जगह चेंज करनी है, यहाँ पर हो जाएगा 2 के ऊपर स्क्वायर होल m मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 ज़ा 15 होता है, तो ये हो गया 4 m माइनस 2 n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर स्क्वायर होल कितना हो जाएगा n माइनस 2 m, ठीक है भाई। नीचे 10 के ऊपर क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10 होता है, 2 5 ज़ा 10, तो ये 2 और 5 इसके ऊपर पावर आ गई 2 m, और ये 5 के ऊपर स्क्वायर और m माइनस n, ठीक हो गया। अब एहतियात से धीरे धीरे आगे चलते हैं, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 m, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर ये सारी पावर आएगी 4 m माइनस 2 n प्लस 1, 4 m माइनस 2 n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर भी ये सारी पावर आएगी 4 m माइनस 2 n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 2 की पावर बारी बारी मल्टीप्लाई होगी, गलती मत कर दीजिएगा, ये 2 n से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 फिर माइनस 2 m से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी, तो ये हो जाएगा 2 n माइनस 2 2 ज़ा 4 m,
ठीक है भाई, नीचे क्या होगा, ये 2m दोनों के ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा 2m मल्टीप्लाई बाय 5 2m मल्टीप्लाई बाय, ये इसी तरह 2 की पावर बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई होगी, 2m माइनस 2n। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें, यहाँ तक पहुँच गए, 3 और 3 को कॉमन लेके इसका ज़रा यही मामला तमाम कर देते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाला जो जहाँ कॉमन लिया जा रहा है, नीचे वाला जो कॉमन लिया जा रहा है, यहाँ 3 और ये 3 कॉमन लिए जा सकते हैं, यहाँ 5 और ये 5 कॉमन लिए जा सकते हैं, तो इनको निपटा देते हैं, फिर बाकी जो बचेंगे उनको बाद में देख लेंगे। रीअरेंज करना पड़ेगा, इस 5 को 2 के बराबर में रखते हैं, 3 को इस 3 के बराबर में रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 के ऊपर 2m मल्टीप्लाई बाय 3 को नहीं 5 को रखते हैं, और 5 के ऊपर अब मैं सॉरी 3 को रखते हैं, पहले 3 कॉमन लिया जा रहा है ना, 3 एक 3 ये रहा, दूसरा 3 ये रहा, अब मैं डायरेक्ट इसकी पावर लगा रहा हूँ भाई, अब इतना टाइम नहीं है, माइनस 2n प्लस 1, एक तो ये 3 आ गया, ठीक है, 4m माइनस 2n प्लस 1, दूसरा 3 डायरेक्ट इसको 2n माइनस 4m यहाँ लिखूँ, प्लस कॉमन लेने के बाद 2n माइनस 4m मल्टीप्लाई बाय 5 रह गया, 5 को आगे करते हैं, 5 के ऊपर क्या पावर आ जाएगी, 4m माइनस 2n प्लस 1, ठीक हो गया। अच्छा, नीचे कौन से हैं, ये 5 और ये 5 कॉमन आ रहा है, तो इस 2 को रखते हैं 2m मल्टीप्लाई बाय ये 5 और ये 5 कॉमन, तो 5 चल इसकी पावर 2m प्लस 2m माइनस 2n, ये m और n लगाते हुए ज़रा ध्यान रखें, मुझसे भी गड़बड़ हो जाती है, कभी m की जगह n आ जाता है, थोड़ा सा ही फ़र्क है ना। अच्छा, अब यहाँ कुछ कट रहा है, 4m माइनस 4m ये कट गया, माइनस 2n प्लस 2n ये भी कट गया, 1 की पावर सिर्फ बची, ठीक हो गया, सिर्फ ये प्लस 1 बच गया जो 3 के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, एक काम कर रहा हूँ, इस 5 को नीचे ला रहा हूँ अब, ठीक है, और इस 2 को ऊपर लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा डायरेक्ट, और 3 को आगे ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा, पहले 2 को देख लेते हैं, 2m मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2m मल्टीप्लाई बाय 3, 1 की पावर लिखते नहीं है, इसको नीचे ले आऊँगा, लेकिन पहले जो 5 है उसको लिख लेता हूँ, 2m प्लस 2m, बल्कि जमा कर लेते हैं, 2m प्लस 2m ये 4m हो जाएगा, 4m माइनस 2n, ये 5 नीचे आएगा, सारी पावर्स उल्टी हो जाएंगी, 5 की जो प्लस की पावर है वो माइनस की, जो माइनस की है वो प्लस की, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 4m प्लस 2n और माइनस 1, ठीक हो गया भाई, देख लीजिए। अब क्या करना है, ये 2 और 2 को कॉमन लें, 5 और 5 को कॉमन लें, तो ये हो जाएगा 2m माइनस 2m मल्टीप्लाई बाय 3, और ये 5 क्या हो जाएगा, 4m माइनस 2n माइनस 4m प्लस 2n माइनस 1, यहाँ कट रहा है ये, प्लस 2 माइनस 2 कट गया, 0 की पावर बची 2 के ऊपर, और जिसके ऊपर 0 की पावर हो जाए वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 को देखते हैं, तो ये प्लस का 4, ये माइनस का 4m माइनस का 2n प्लस का 2n, ठीक है भाई, और ये 0 की पावर मल्टीप्लाई बाय 3, और 5 के ऊपर कितनी पावर बची, माइनस 1 की पावर बची, माइनस 1। अब यहीं पे इसको निपटा देता हूँ, आ गई इक्वल का साइन लगा के, 0 की पावर आ गई, तो ये 1 हो गया पूरा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये 5 जो है माइनस 1 की पावर है, पावर माइनस में नहीं रखते, तो इसको ऊपर लेके जाके इसको प्लस का कर देंगे, 1 3 5, तीनों को मल्टीप्लाई करें, आपका जवाब आ जाएगा 15, और यही आपकी बुक में भी जवाब, ठीक हो गया भाई, यही चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल यही है। चलें 12 करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 12, ये बड़ा सा ब्रैकेट आएगा, वो रूट आएगा सॉरी, और उसके बाद 216 और उसके बाद 1/25, इसके ऊपर नेगेटिव पावर है, -3/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 के ऊपर पावर है 1/2 की, याद रहे ये रूट है इन सबके ऊपर, रूट याद है ना, रेडिकल, ये रेडिकल 1/2 की पावर है, इसको आखिर में लगाएंगे, पहले ज़रा अंदर का मसला हल कर लें। 216 को देखते हैं, ये ख़ास नंबर तो जहन नशीन कर लें आप, अगर आपने एलसीएम लेने में गलती कर दी आपका जवाब ठीक नहीं आएगा। 2 अंदर 2 नहीं करना, यहाँ पर 2 10s are 20 कर दें, 21 को लें पूरा, 2 को नहीं 21 को लें, 2 10s are 20, 1 इसके साथ आ गया, 6 के साथ 2 8s are 16, अब कोई टेंशन नहीं, अब आराम से 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9, 3 3, 3 1, ठीक है, 3 2 ये मिल गए, 3 3 ये मिल गए। अब 25 का तो आसान है, 5 5s are 25, ठीक है, फिर यहाँ पर भी हमारे पास 25 ही है, क्वेश्चन तो गलत नहीं कर दिया, हाँ सही है भाई 25 ही है, तो यहाँ पर भी जो है वो, इधर भी जो है वो पावर कौन सी आ जाएगी, 5, अच्छा ये 2 5 हैं तो 5 के ऊपर स्क्वायर, यहाँ 2 और 3, तो ये हो जाएगा 2 के ऊपर पावर 3, और यहाँ पर 3 के ऊपर पावर 3, चेंजेस कर लें आप, यहाँ पर हम 216 की जगह पे क्या आ जाएगा, इसके ऊपर भी कुछ पावर है मेरे ख्याल 216 के ऊपर, हाँ बिल्कुल 2/3 की पावर है भाई, 2/3 की पावर, अच्छा 1/2 की पावर और -3/2, ठीक हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, 2 के ऊपर 3 की पावर, 3 के ऊपर 3 की पावर और 2/3 की पावर, यहाँ क्या आएगा 5 के ऊपर स्क्वायर और 1/2 की पावर, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/5 के ऊपर स्क्वायर, होल पावर क्या है -3/2, ये नेगेटिव पावर का भी मसला ज़रा अभी हल करते हैं हम, ये मिटा दूँ नीचे वाला, देख लीजिए, अच्छा और क्या है अब इसके अंदर, पहले इसको हल करते हैं, 2 3 multiply by 2/3 multiply by 3 3 multiply by 2/3 multiply by 5 2 multiply by 1/2, ठीक है भाई बिल्कुल सहूलत से। अब ये -3/2 की पावर 1 के ऊपर भी है, -3/2 की पावर इस 5 के ऊपर भी है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, यहाँ गड़बड़ मत कीजिएगा, एक स्टेप और बढ़ा लें कोई मसले की बात नहीं, 1 के ऊपर तो कोई सी पावर लगा दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 को 5 के ऊपर 2 multiply by -3/2 की पावर, ये मैंने लिख दिया, एक स्टेप और बढ़ा दिया, ठीक है भाई। अब इसको आगे बताता हूँ और क्या करते हैं, यहाँ क्या होगा, ये कट गया, पहले इसको काट देते हैं, 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 2 1 2 2 1 2, क्या क्या बच गया, यहाँ पर 2 के ऊपर 2 की पावर, 3 के ऊपर 2 की पावर और 5 के ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब 1 की पावर, यहाँ क्या करेंगे 1/5, ये ऐसे कर लें, या 2 1 2 2 1 2, 5 के ऊपर -3 की पावर, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएं आप यहाँ पर और इसको यहाँ ले आएँ, तो ये हो जाएगा 2 5 और ये हो जाएगा 5 के ऊपर 3 की पावर, ठीक है भाई। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, कॉमन लिया जा सकता है यहाँ पर,
ये प्लस वन है, आपको पता है पावर प्लस वन होती है, तो उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव वन माइनस थ्री और फिर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव माइनस टू। फिर आगे चलते हैं, अब ये रूट ज़रा ख़त्म कर दें, वन अपॉइंट टू की पावर अब लगा लें आप, टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव माइनस टू और वन अपॉइंट टू की पावर, अब टू मल्टीप्लाई बाय वन अपॉइंट टू, थ्री टू मल्टीप्लाई बाय वन अपॉइंट टू और फाइव माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वन अपॉइंट टू। ये इससे गया, ये इससे गया और ये इससे गया, माइनस वन की पावर अभी इसके ऊपर बची हुई है, यहाँ देखें थोड़ा स्पेस है, तो ये बन जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव के ऊपर माइनस वन की पावर, टू थ्री इज़ अ सिक्स, ठीक है, और फाइव को नीचे ले आते हैं, फाइव से मल्टीप्लाई नहीं करते भाई, माइनस वन की पावर है नीचे ला के प्लस वन कर दिया और सिक्स अपॉन फाइव, यही आपका आंसर होना चाहिए 12 का, लेकिन 6 अपॉन 5 नहीं है, यहाँ पर है वन होल वन अपॉन फाइव, तो होल में ले आते हैं, फाइव वन ज़ा फाइव, वन बचा, ठीक है, फाइव वन ज़ा फाइव, वन बच गया और ये क्या आ गया आपके पास, वन होल वन अपॉन फाइव, ये बिल्कुल आपके बुक के मुताबिक आंसर आ गया, वन होल वन अपॉन फाइव, ठीक है भाई। बाकी रह गया क्वेश्चन नंबर 13 और 14, ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करते हैं इसके पार्ट 4 में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।